जय श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आज के टॉपिक है फ्रेंड किचन क्लीनिंग टिप्स तो आज हम कुछ किचन क्लीनिंग टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंड किचन टाइल्स को लेके जो कि सबसे ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि किचन में खाना बनता है ना तो खाना बनाते समय जो भाप होती है और जो डस्ट होती है वो इकट्ठा हो जाती है तो उसकी वजह से टाइल्स चिपचिपी हो जाती है तो उसे कैसे क्लीन करना है अगर किचन की टाइल्स पर किसी तरह के दाग धब्बे हैं और दाग धब्बों को पहले आपने सिरके से अच्छे से पोंछना है उसके बाद गर्म पानी में साबुन मिलाकर साफ़ करें यानी कि सबसे पहले आपने सिरके से रगड़नी है टाइल्स को हल्के हाथों से उसके बाद गर्म पानी में थोड़ा सा साबुन या शैम्पू मिलाना है और उस पानी से किचन टाइल्स साफ़ करनी है तो टाइल्स एकदम से चमक जाएगी नेक्स्ट है अगर किचन के की टाइल्स पीली होने लगें तो नमक और तारपिन के तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं इससे भी किचन टाइल्स साफ़ हो जाती है और जो भी दाग दब्बे होते हैं किचन टाइल्स में वो सब दूर हो जाते हैं नेक्स्ट है अगर सिंक में सफेदी जमी हो तो पानी में सिरका मिलाकर कुछ देर के लिए सिंक में लगाकर छोड़ दें लगभग बीस मिनट बाद सिंक को अखबार से साफ कर लें सिंक चमक उठेगा तो ये वाला टिप्स भी ज़रूर अपना के देखना फ्रेंड क्योंकि किचन सिंक को क्लीन कर रखना रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर ये किचन सिंक क्लीन नहीं होगा तो यहाँ से कांक्रोच वगैरह किचन में आ जाते हैं जिससे कि कई तरह की बीमारियाँ होती है इसके अलावा अगर कभी किचन सिंक जाम हो जाता है मतलब उसमें पानी जम जाता है तो सिंक के छेद में नमक और सोडा डालना है कुछ देर बाद सरक पाउडर डालकर ऊपर से तेज़ तार के साथ गर्म पानी डालें सिंक एकदम साफ हो जाएगा तो सिंक बंद होने की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है किचन में तो ऐसे में ये वाला टिप्स ज़रूर अप्लाई करके देखना आप नेक्स्ट है फ्रिज में से आ रही बदबू को दूर करने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें इससे बदबू दूर हो जाएगी किचन फ्रिज को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी फ्रेंड क्योंकि हम वहाँ पे वेजिटेबल्स रखते हैं मिल्क रखते हैं और भी कई खाने पीने के प्रोडक्ट रखते हैं तो ऐसे में किचन फ्रिज को साफ रखना बहुत ज़रूरी है तो ये वाला टिप्स ज़रूर अपनाइए नेक्स्ट है, है किचन को सिर्फ सादे पानी से साफ करना काफ़ी नहीं है किचन प्लेटफॉर्म्स को हमेशा पानी में विनेगर मिलाकर साफ करें क्योंकि विनेगर अच्छी तरह से सफाई कर लेता है किचन प्लेटफॉर्म्स की तो इसलिए विनेगर का प्रयोग करें जब भी आपको किचन प्लेटफॉर्म को साफ करना हो इससे सफ़ाई भी हो जाएगी और जो भी कीटाणु होते हैं सेल्फ में वो सब दूर हो जाएंगे तो इससे हमारी किचन डीप एंड क्लीन रहेगी नेक्स्ट है पानी में नींबू और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाकर किचन स्लैब साफ़ करें इससे स्लैब की सफाई हो जाएगी और रसोई खुशबू से महक उठेगी तो ये दूसरा टिप्स है किचन सेल्फ को साफ करने के लिए इसके लिए आपको नींबू और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलानी है और उससे किचन स्लेब को साफ़ करना है इससे साफ़ भी हो जाएगी किचन सेल्फ और इसके अलावा आपकी रसोई खुशबू से महक उठेगी नेक्स्ट है अगर आपकी रसोई में चींटी और काकरोच रहते हैं तो इसका मुख्य कारण साफ सफाई की कमी हो सकता है इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी फल या सब्जी काटने के बाद स्लैब को गीले कपड़े से साफ जरूर करें जब भी हम सब्जी काटते हैं फ्रेंड्स फ्रूट्स काटते हैं या कोई और काम करते हैं किचन में खाना बनाने का तो खाना बनाने के तुरंत बाद हमें किचन सेल्फ को साफ ज़रूर करना चाहिए जिससे कि की हमारी किचन नीट एंड क्लीन भी दिखेगी और किचन में कांकरोच वगैरह भी नहीं आएंगे क्योंकि खाने पीने की जितनी भी चीज़ें अगर स्लैब में छूट जाती हैं ना तो उससे कांकरोच बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि बहुत तरह की बीमारियां फैलाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें नेक्स्ट है किचन कैबिनेट को साफ़ करते समय हैंडल दरवाजे और खोलने की जगह को अच्छे से साफ करें ये चीज़ें अक्सर चिकनी होती है जिसकी वजह से किचन थोड़ा बखरी बिखरी सी भी लगती है और किचन नीट एंड क्लीन भी नहीं लगती है तो इसलिए इन जगहों को अच्छे से साफ करें किचन में नेक्स्ट है किचन कैबिनेट के अंदर पेंट करवाएं इससे कांकरोच व अन्य कीड़े मकोड़ों से बचाव होगा किचन कैबिनेट के अंदर पेंट करवाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड क्योंकि जो भी छोटे छोटे होल्स होते हैं ना तो उसमें कांकरोच वगैरह बैठ जाते हैं कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं तो वो क्या करते हैं वहीं पर अपना घर बना लेते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे जो भी लकड़ी होती है किचन स्लैब की कैबिनेट्स की वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है तो इसलिए पेंट करना जरूरी है तो ये थे फ्रेंड आज के किचन टिप्स क्लीनिंग टिप्स जो कि आपको बहुत पसंद आए होंगे कैसे लगे कमेंट में बताना वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जय श्री कृष्णा दोस्तों